जय भैया, बहुत दिन से इलाहाबाद के चटोरों को कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग हैं अशोक नगर की तरफ, तो चलो इलाहाबाद के चटोरों को बैठक कैफे की सैर कराते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इलाहाबाद के चटोरे वंस अगेन। और कल कुछ दिनों से बहुत कुछ वीडियोस नहीं अपलोड कर पाए हम लोग, क्योंकि थोड़ा पर्सनल रीजंस थे बिजी रहने के। सो बट वी आर बैक अगेन, एंड मेरी ये इलाहाबाद के चटोरों से ये दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमने आपको कभी निराश किया है? नहीं नहीं, अगर किया हो तो बताइए, और इसको कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर हमने आपको कभी निराश किया हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम लोग आए हैं बैठक कैफ़े में, जिनके पास एक वाइड वैरायटीज़ है अपनी चीज़ों को लेके, और एक ये एक स्ट्रीट कैफ़े है, ठीक है। लोग यहाँ पे आते हैं, बैठकी करते हैं जैसा कि नाम बता रहा है, और यहाँ के ओनर से और शेफ़ से, जो कि एक ही दो पर्सन है, तो उनसे बात करते हैं। और भाई साहब जी, कुछ बताइए अपने इस बैठक कैफ़े के बारे में, जैसा कि लास्ट ईयर पिछले साल खुला था। बिल्कुल, ये लास्ट ईयर हम लोगों ने खोला था, लास्ट ईयर अक्टूबर में। उसके बाद से चीज़ें सही नहीं थी, क्योंकि मैं और मेरा फ्रेंड, जो कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और पार्टनर्स भी हैं, बिज़नेस पार्टनर्स भी हैं, हम लोग काफ़ी बिजी होते थे। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, वो CS एस्पिरेंट है, तो हम लोग काफ़ी यहाँ पे बिज़ी रहते थे, तो यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं थी। लेकिन सेकंड लॉकडाउन के बाद से अब हम लोग 2 महीने से काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सही हो गई हैं, और काफ़ी चीज़ें हम लोग ने न्यू ऐड कर दी हैं, जैसा कि आप लोग इंस्टाग्राम पे हर जगह देख रहे हैं। और जो इलाहाबाद के कुछ लोग, उन्होंने बहुत सी पोस्ट आप लोग की देखी हुई है पहले से भी, जो कुछ काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग पे आया था। बिल्कुल, आपका जो मोमोज है और जो कुछ एक आध मॉकटेल्स हैं, और हाँ यहाँ पे तंदूरी मोमोज, जो कि तंदूरी एक्चुअली नहीं होता, वो फ्राइड होता है तंदूर सॉस में होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। तंदूरी फ्राइज़ जो कि तंदूर सॉस में थी, वो भी ट्रेंडिंग में था। हमारी मॉकटेल्स बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती हैं, क्योंकि टेस्ट में बहुत अच्छी होती हैं, साथ साथ वो कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वाजिब रेट में। मतलब देखें तो इनका जो मेन्यू है, आप देख सकते जी, 35 और 50 मैक्सिमम, 50 मैक्सिमम, और वो भी लेमन आइस टी ब्लूबेरी, मतलब वाइड रेंज है मॉकटेल्स में भी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, शेक्स भी हैं, कोल्ड कॉफ़ी भी हमारी काफ़ी बेटर होती हैं, हॉट कॉफ़ी भी हमारी काफ़ी अच्छी हैं, जो कि मटकी कॉफ़ी होती हैं। तो फिर अब आप बताइए कि आज आप हम लोग को क्या ट्राई करा रहे हैं? आज आप जो आपको जिससे रिलेटेड आप अपना मन बताइए, क्या खाने का मन है, स्पाइसी खाना है, जो भी खाना हमारा। हाँ बिल्कुल, एक आप रोल में करा दीजिए, एक रोल कर सकते हैं, बिल्कुल ना, मोमोज हो गया, रोल हो गया, बर्गर आपका। हाँ बर्गर बहुत अच्छा होता है, तो बर्गर और रोल आपका नया वैरायटी आया है, न्यू ऐड हुआ है, ठीक है। रोल में पनीर टिक्का करिएगा, रोल में पनीर टिक्का कर देता हूँ, ठीक है। और मॉकटेल में कोई एक आपकी अपनी पसंद, जो जिसका मतलब पूरा मटेरियल आज अवेलेबल हो। हाँ हर चीज़ का अवेलेबल है, सारी चीज़ें हर चीज़ का अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उसमें से कोई एक। चलिए मैं आपको आज ग्रीन एप्पल मॉकटेल खिलाता हूँ। चलिए ठीक है। तो ये है बैठक का स्पेशल तंदूरी मोमोज। तो भाई ये बताओ, इसका मतलब क्या सीक्रेट है, या कैसे बनाते हो इसको, जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं? इसमें बेसिकली कोई सीक्रेट नहीं है, ये नॉर्मल फ्राइड मोमोज होते हैं, इसमें मेयोनीज रहती है, तंदूर सॉस होते हैं, और मिक्स हर्ब्स होती हैं, और चिली फ्लेक्स होते हैं, और बाकी उसकी स्टफिंग वो सीक्रेट है, वो मेरी मम्मी बनाती है। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह से मॉम्स रेसिपी है, मॉम्स रेसिपी इन बैठक कैफे। तो चलिए इसको टेस्ट करके बताते हैं। तो ये अब टेस्ट करके बताते हैं कैसा है।
भाई साहब, मतलब अगर आप मोमोज के शौकीन हो तो कम से कम एक बार तो आपको आना पड़ेगा इनका ये तंदूरी मोमोज खाने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इसके ऊपर तंदूरी मोमोज, तंदूरी सॉस है, मेयोनीज है और भी जो भी चीज़ें हैं, बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाती है, माइंड ब्लोइंग है भाई साहब। ये बहुत कम चीज़ें हैं जिसको मैं माइंड ब्लोइंग बोलता हूँ और ये उनमें से एक है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट रोल की तरफ जाते हैं और वो बताते हैं कैसा है, कैसे बनता है, तो कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ। तो हम लोग ने अब ऑर्डर किया था, ये इनका है तंदूरी पनीर टिक्का रोल। सो चलिए इसको ट्राई करके बताते हैं। खैर बना तो ठीक ठाक है, बढ़िया लग रहा है, बट टेस्ट में चीज़ें अलग हो जाती हैं, पर देखते हैं। फीलिंग अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है, आप ट्राई कर सकते हो इसको। और अभी हम लोग की और भी चीज़ें बची हुई हैं, इनका जो बर्गर जो इन्होंने अभी न्यूली ऐड किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है अपने बैठक कैफ़े में, उसको भी टेस्ट कर। तो ये है यहाँ का चीज़ बर्गर, तो इसको ट्राई करते हैं और इसके बारे में बताते हैं। तो जैसा आप फीलिंग देख सकते हो कि पैटीज इनकी काफ़ी मतलब सही वेल शेप्ड है, और इन्होंने चीज़ और बाकी मेयोनीज़ और तंदूरी सॉस डाला हुआ है इसमें। सो अब इसको ट्राई करके बताते हैं कि कैसा है। एज अ बर्गर देखा जाए तो मतलब बढ़िया है, चीज़ का टेस्ट आ रहा है पूरा पूरा, और इन्होंने क्वालिटी चीज़ भी यूज़ किया, अमूल की चीज़ है, और पैटीज़ भी इनकी काफ़ी अच्छी है, मतलब क्रंचीनेस है हल्का सा, और अगर बन की भी क्वालिटी की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बन लग रही है, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा दे रहा है। सो और ये फ्रेशनेस भी मतलब काफ़ी अच्छा आ रहा है इसमें। तो चलिए ठीक है, फिर अब हमारा लास्ट जो शॉट रहेगा, जो लास्ट हमने आइटम मंगाया हुआ है यहाँ पर, ग्रीन एप्पल मोजिटो है, उसके बाद हम लोग यहाँ से पैकअप करते हैं और
तो यहाँ का मॉकटेल ब्लू लेगून ग्रीन एप्पल सॉरी, सो इसको टेस्ट करके बताते हैं। और इसका जो रेट है वो केवल और केवल 40 रुपीज़ है, जो कि मतलब काफ़ी सही रेट है यहाँ के हिसाब से, कि मतलब स्ट्रीट फूड है और ऊपर से इनका जो रेट है वो भी काफ़ी वाजिब है इन सब जगहों को देखते हुए। तो और हाँ, जितनी भी चीज़ें हम लोग ने ट्राई की हैं उन सब के रेट्स और इस जगह का लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और जब भी आओ तो आप मैच कर सकते हो, मतलब हाँ उतने का ही है कि नहीं है या कुछ रेट्स बढ़ गए तो आप बात कर सकते हो अपना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे किसी नई जगह के लिए, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू हमको सपोर्ट करने के लिए। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक और शेयर करने लायक लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।